कानपुर के घाटमपुर में बेखौफ हुए बदमाश, गोली मारकर युवक की हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। भरी सड़क पर युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। आनन फानन में युवक को जिंदा समझकर परिजनों के द्वारा CHC घाटमपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं मामले में मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र की IDBI बैंक के नजदीक का बताया जा रहा है। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट। चाचा क्या नाम है? हमारा बीवी चंद सचान। बच्चे के हमारे बच्चा दुकान के लिए कुछ सामान लेने गया था, रास्ते में गोली मार दी कुछ कदम के दूर। किसने मारी है, क्या बताया? थोड़ी देर में बता दें। चाचा जैसे आपने बताया गोली मारी गई, तो वो लोग कहाँ से थे? मोटरसाइकिल बाइक से थे। किसी पसंद का है आप? अच्छा, तो थोड़ी देर में आ जाएगा साहब, फ्रंट में आ जाएगा। कितने बजे की घटना है चाचा? ये शर्मा लोगों की दुकान है, उसी जगह किनारे सड़क के किनारे मारा है। इससे पहले भी कोई मारपीट आरपीट नहीं? अभी तक अभी तक नहीं, बच्चे के साथ अभी कुछ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, किसी से बच्चे का कोई विवाद है? ना, हम कोई विवाद नहीं। कितने लोग थे बाइक में? अब हम तो मौके में थे नहीं, लेकिन 3 लोग थे। दिनांक 18 अगस्त को शाम 7:30 बजे कस्बा घाटमपुर में स्टेशन रोड तिराहे के पास हर्षित सचान सनाव गिरी सचान की कुछ लोगों द्वारा गोली मार दी गई, जिसकी अस्पताल में जाकर मृत्यु हो गई। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है एवं उक्त प्रकरण में थाना घाटमपुर में धारा 147, 148, 149, 302 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, जिसकी विवेचना इंस्पेक्टर घाटमपुर द्वारा की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमों का गठित किया गया है एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण SP आउटर महोदय एवं एडिशनल SP आउटर महोदय और मेरे द्वारा किया जा चुका है एवं स्थिति सामान्य है।